ये फिल्म शायद बन ही ना पाती, क्योंकि प्रोड्यूसर्स परेशान थे कि भारत में दो औरतों की प्रेम कहानी कहीं ऑडियंस पसंद ना करे। तीन चार प्रोड्यूसर्स मेरे दिमाग में थे, वो सिक्स इयर्स इंडस्ट्री में रहने के बाद मैंने सोचा था थोड़ा अनकन्वेंशनल है, वो मान लेंगे। जिनसे मेरी मुलाकात हुई वो एक महीने बाद वो बोलते हैं कन्विंस्ड हूँ, लेकिन मुझे डर है कि कहीं आगे जाके, क्योंकि इंडिया में ऐसे स्टोरीज़ को लेकर पता नहीं, इट्स लॉट ऑफ मेंटल ब्लॉक्स है, तो मुझे डर है कि कहीं ये बैन हो जाए। दिस वर्ल्ड दीज रूल्स। आखिरकार रूपा राव ने अपने आइडिया को एक क्राउड फंडिंग वेबसाइट पर डाला। इससे उन्हें पैसे तो मिले, पर अपनी सीरीज उन्हें यूट्यूब पर छोटे छोटे एपिसोड्स के जरिए ही रिलीज करनी पड़ी, यानी वो पैसे वापस आने की उम्मीद बहुत कम है। साल 1998 में फिल्म फायर बॉलीवुड की पहली बड़ी फिल्म थी जिसमें किसी समलैंगिक रिश्ते को दिखाया गया, लेकिन इसका कई दक्षिणपंथी गुटों ने हिंसक विरोध किया। इससे अभिव्यक्ति की आज़ादी और समलैंगिकता पर सार्वजनिक बहस तो छिड़ी, लेकिन 18 साल बाद भी सिनेमा इस पर खुलकर बात नहीं कर रहा है। मुझे तुमसे प्यार हो गया। इसी साल समलैंगिकों के प्रति फोबिया या डर पर बनी एक और सीरीज सामने आई। ये भी प्रोड्यूसर्स और डिस्ट्रीब्यूटर्स की कमी के चलते इंटरनेट पर रिलीज हुई। ये ऑडियंस को पसंद आई तो अब एक सीक्वल तैयार हो रही है। There is a villain in the story, like there's a Rakshas. और पारमिता वोहरा, जिन्होंने प्यार और रिश्तों पर खुली बातचीत करने के लिए वेबसाइट बनाई है, कहती हैं कि प्रोड्यूसर्स और एडवर्टाइजर्स रिस्क लेने को तैयार नहीं। एक ऑडियंस है, ऑडियंस को मार्केट में बदलना, उसके लिए आपको ज़रूरत है ऐसे प्रोड्यूसर्स जो प्रोड्यूसिंग में बहुत ही अच्छे हैं, जो नहीं चाहते कि उनको पकी पकाई सब्जी मिल जाए, जो 100% सब खरीदेंगे, यू नो, क्योंकि जो चीज़ पहले बनी नहीं है उसको बनाने के लिए आपको एक खास ऑनेस्टी की ज़रूरत होती है, एक कॉन्फिडेंस की ज़रूरत होती है सबसे ज़्यादा, और कॉन्फिडेंस दुनिया में सबसे मुश्किल चीज़ है। भारत में समलैंगिक यौन संबंध गैर कानूनी होने के बावजूद ये समुदाय अपनी आवाज बुलंद कर रहा है। बदलती तकनीक इनकी कहानियां कहने के नए रास्ते तो निकाल रही है, पर नजरिया बदलने पर ही ये रास्ते आर्थिक रूप से व्यावहारिक बन पाएंगे। दिव्या आर्य, BBC, मुंबई। तो मुझको प्यार कुरान में सारे जो मुकद्दस किताबों का जो असल पैगाम है वो मुझको नजर आया। फरीदाबाद की ये महिलाएं और महिला सरपंच पर्दा प्रथा के खिलाफ मुहिम की शपथ ले रही हैं।